जी सत श्रीकाल जी, शिकार एंटरटेनमेंट वेखने वाला जो प्यार भरी सत श्रीकाल जी। 9 जून धमाकेदार फिल्म मौड़ रिलीज़ होने जा रही है और मौड़ किस तरह सी दी फिल्म है, किस एंटरटेनमेंट की फिल्म आओ गलबात करते हैं स्टार का साढ़े नाल। सत श्रीकाल भाई जी, रणवीर जी की हाल ने? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की कहना चाहते बस कहना चाहवागा कि असी इतने वैसे तो अं 9 जून फिल्म रिलीज़ हो रही है तो अज असी इतने मौड़ फड़न आए हैं तो साढ़े नाल होर भी हुण साडी ओपोजिट पार्टी आए हुए ने, मौड़ साहब दे सारा गैंग आया होया। सो असी यही करना है कि असी मौड़ साहब नूं फड़ीए, पर मौड़ साहब सानूं मिले ने, असी पूरी फिल्म च भी फड़दे रहे हैं। ये साढ़े बटन साहब ने इस फिल्म दे विच, मेरे ऑफिसर ने हाटन साहब, हाटन साहब, हाँ हाटन साहब तुहानूं इंग्लिश बोल के दिखाणगे। हाटन साहब दस्सो जरा किवें, इत्थे भी अंग्रेजी बोलनी पैणी, इत्थे भी बोलनी पैणी, किदां दा रिहा तजर्बा? तजर्बा बहुत, पहलों पंजाबी बोलते हैं फिर इंग्लिश भी, तजर्बा बहुत जी गल दिलों निकलती वो तो पंजाबी ही निकलती ना, वो रट के बोलनी होती थिएटर जो वास्ते अंग्रेजी है। तो भाई तजर्बा तो मतलब क्या ही कहना, शब्दों बयान ही नहीं कर सकते है ना। बई जे 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 भरा मिले आप कट्ठे आए सारा दिन, मान लो भी ऐसे वर्दी ताश चल रही है, उससे लस्सी चल रही है, कॉफ़ी चल रही है, तो वह पुराना पंजाब वेखण नू जीन का मौका मिले है ना जी। तो वह मतलब शब्दों से नहीं बयान होने वाली गल है कि भाई फिल्म शेर तो बड़े पुराने ने, यह सब तो बड़ी गल है कि मैनेज किस तरह किया पूरी टीम ने, पहरावा पग्गां कपड़े? देखो साडी टीम बहुत स्ट्रोंग सी, असी इहदा अबव ऑल की 90 डेज़ तो ज़्यादा का शूट किया, इहदे विच तीन फिल्मां कंप्लीट हो जांदियां, पर साडे सारे क्योंकि साडी टीम रिदम बॉयज़ की टीम उन्हां दी इस तरह की हैगी, जिहड़ी टैक्निकली टीम भी हैगी आ, जिहड़े साडे पग्गां बंदे सी मुंडे जां साडी ड्रेसिज वगैरह एकदम हर चीज़ परफेक्ट सी। साडी फिल्म दे विच 50-60 तां घोड़े ही हैगे ने, तो इस करके सानू वैसे वो जिंदगी जीवन का बहुत अच्छा मौका मिलया। और असी जाके सूरतगढ़ शूटिंग की 90 दिन और हर एक करैक्टर तुसी आज भी देख रहे हो, साड़ी सारी पूरी टीम रवायती पूरी, हाँ। और वैसे भी जिहड़ा अपना मौड़ सबजैक्ट है, एक अपने आप दे विच एक बहुत ही वड्डा एक नायक होया जिहनूं असी अपना रॉबिनहुड कहिंदे आ पंजाब दा। सो उसदे कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हुए ने, बट असी अपनी ड्यूटी निभानी हुंदी है, जो मैनूं साहब साडे ऑर्डर लाउंदे आ असं तो अपनी ड्यूटी करती है। हुण साहब ने सानूं बड़े खतरनाक ऑर्डर लाए से कि जिउणे नूं फड़ना, पर असी फड़दे रहे पूरी फिल्म च, पर हाथ साढ़े फिर भी नहीं आया। इन्ने साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिर घोड़े भज्जे ने, किदां दा लग रहा? क्योंकि जिन्नी फिल्म बनी सारिया कॉमेडी टच में बनिया, ये पहली काफ़ी अरसे बाद पहली फिल्म है जिसे तगड़ 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 पूरी नज़र आऊगी। भाई घोड़िया की जी करामात है ही है, तो जेडे घोड़िया चढ़ते रहे हैं रोज़ वो अपने आप ही, मतलब उन्होंने भी घोड़िया जिन्ना जोर लाया, घोड़े बेचारे भुखे प्यासे साढ़े अंगू भी रेंगे बहुत बहुत दूर अपने टिकाने तो बेचारे बजे रेंगे भाई, उन्होंने ऑर्डर से रेंदे से कदों शूट शुरू होना, कदों किमें हुण हुक्म होगा। तो असी भी सारे जिहड़े सीगे मौड़ ग्रुप सीगा, साडा ग्रुप सीगा, असी भी उवें कोई डिग पैंदा सीगा, किसी की लत्त टुटदी सी, किसी की बांह टुटदी सी, मैनूं नहीं लगता कोई भी इत्थे होना जिहड़ा डिग्गा एक बार तो ज़्यादा ना होवे। हाँ जी, कईआं दा शोल्डर डिसलोकेट होया, कर अपने कुलजिंदर भाई का भी शोल्डर डिसलोकेट हो गया सी आई थिंक, बट घोड़िया ने साडा जिन्ना साथ दिता असी भी कोशिश की उन्हों का उन्ना साथ दिता जाए, तो उस बस ऐ प्यार जे नाल ही गल पई पूरी सिर चढ़ी। इंग्लिश दा कोई डायलॉग जिहड़ा तुसीं हुक्म दित्ता होवे फौज नूं? आई वांट टू गेट अलाइव, ओह एक डायलॉग है जी, व्हाई द हेल इज नोबडी गोइंग टू स्टेप अप अगेंस्ट हिम, देयर हैज टू बी समबडी, एटलीस्ट वन लिटिल स्काउंडरल। यस सर, आई विल श्योर यू डेफिनेटली। अच्छा जो हुक्म मिलया फिर रिएक्शन की सी? रिएक्शन इज श्योर सर, आई विल डेफिनेटली। थिएटरिकल प्रोमो दे विच तुहाडे बिल्कुल साइलेंट रिएक्शन ने, हाँ जी बस एक्चुअली साढ़े डायरेक्टर साहब का हमेशा कहना सी कि ज़्यादा डायलॉगबाजी ना हो, अपने एक्सप्रेशन के नाल वो गल कहो जो कहना चाहते हो, मतलब जरूरी नहीं कि लंबा चौड़ा लैक्चर हो, जो टू द पॉइंट है वो ही गल करो। सो इन्होंने हुक्म लाते रहे तो असं ये काम करते रहे। इन साल बाद बहुत फिल्मा की अणगिनत बतौर हीरो भी तुम फिल्मों के आए, उन्होंने फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म थोड़ी डिफरेंट शेड है, किस तरह तुम लेके चलते? देखो हर एक दौर का एक अपना समा हों, है ना, एक और दौर सी 80s का 90s का, सो हुण ये दौर है ये हूँ, देखो काफ़ी फिल्मा सारिया डिफरेंट्स बन रही, लेकिन ये मौड़ जी फिल्म है एक नवा ट्रेंड सैट करेगी, परमात्मा करे ये सारी साड़ी सारी ऑडियंस नूं पसंद आवे, क्योंकि सारी टीम ने बहुत मेहनत की है। सो परमात्मा हमेशा सुनते ही आए हैं कि मेहनत नूं भाग लगते हैं, सो असी भी परमात्मा के अरदास करते हैं कि सानू भी पसंद आवे, क्योंकि साड़ी सारी टीम ने ये मौड़ फिल्म दे विच बहुत ही मेहनत नाल काम किया। रिदम बॉय साडे डायरैक्टर अपना जितेंद्र मौड़ जी, कारज गिल होनी बाई, जिनी भी बाकी टीम एमी बाई होनी, देव खरोड़ होनी, सारे ने बहुत ही वधिया काम किया। परमात्मा सुख रखे। 9 तारीख
सुनहरी अखरों में लिखी जाए और उस ब्लॉक पोस्टर सुपर डुपर हिट हो गज के फतेह पाने बोले सोनेहा इस आस के नाल 9 जून सिनेमा घर का शिंगार बन जा रही है मौड़ और कैनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दुनिया के हर कोने कोने से फिल्म रिलीज हो जा रही है भाई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू।